इंडिया और कनाडा से इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और गुजराती की खबरों के एकमात्र पोर्टल indiantimesdaily.com पर आपका स्वागत है। इसमें आपको स्थापित व्यवसायों और साधनों की जानकारी भी मिलेगी। मैं हूं संस्कृति शंकर और आज की मुख्य खबरें हैं। भारत में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया और यूएन का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था फिर से विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। कनाडा में फेडरल सरकार ने वैध मैरिजुआना की बिक्री से 75% हिस्सा देने की बात मान ली है और ब्रिटिश कोलंबिया की एनडीपी सरकार साइट सी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का प्रोजेक्ट पूरा करेगी। हमारे साथ जुड़े रहे दोस्तों, हम भारत और कनाडा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।